देश की राजधानी सिर्फ कहने को ही राजधानी है, क्योंकि यहाँ रहने वाले लोगों को साफ पानी तो क्या, पीने के लिए भी पानी नहीं मिल पा रहा है। आलम तो ये है कि पानी की कमी तो है ही, लेकिन जब जब मानसून आया है यही दिल्ली पानी में डूब गई है। सालों से ये समस्या दिल्ली वालों को परेशान कर रही है, चाहे वो पानी की कमी की हो या गंदे पानी की। हर साल चुनावी वादों में इन्हें शामिल किया जाता है, लेकिन लगातार यहाँ रहने वालों को निराशा ही हाथ लगी है। लेकिन अब दिल्ली सरकार कुछ ऐसा करने जा रही है जिससे दिल्ली वालों की सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कृतिका और आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। दरअसल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली वालों के लिए एक खुशखबरी लेकर आए हैं, क्योंकि केजरीवाल ने एक ऐसा ही स्थायी समाधान यानी कि एक परमानेंट सॉल्यूशन निकाल लिया है जिससे दिल्ली वालों को गंदे पानी से निजात मिल जाएगी। जी हाँ, जो जानकारी अभी हाथ आई है उसके मुताबिक गंदे पानी की आपूर्ति की समस्या का जो समाधान था उसको टेक्नोलॉजी की मदद से खत्म किया जा सकता है। वैसे आपको बता दूं कि दिल्ली में बारिश के दौरान अक्सर देखा जाता है कि सड़कें पानी से लबालब भर जाती हैं, जिससे भी दिल्ली में रहने वालों को भी खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी को देखते हुए अरविंद केजरीवाल ने डीजीपी के साथ मीटिंग कर उन्हें कड़े निर्देश दिए हैं। इतना ही नहीं, अगर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डीजीपी को पारंपरिक तरीकों के बजाय आधुनिक तकनीक का प्रयोग करने पर जोर दिया है। साथ ही कहा है कि दिल्ली जल बोर्ड हीलियम गैस या मॉडर्न कैमरे की मदद से पाइपलाइन के लीकेज का सही पता लगाकर उसे ठीक करने की संभावना भी तलाशने का काम करेगी। इस योजना पर बहुत जल्द काम शुरू किया जाएगा। दिल्ली के लोगों को साफ पानी की सप्लाई करने के लिए पैसे की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। वैसे आपको बता दें कि शुक्रवार को सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के जल मंत्री और डीजीपी के चेयरमैन सौरभ भारद्वाज, डीजीपी के उपाध्यक्ष सोमनाथ भारती समेत वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की थी। इसका मकसद मॉनसून के दौरान कुछ चुनिंदा इलाकों में गंदे पानी के भरने की समस्या को रोकना था। तो और भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप जुड़ रही जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।